आज आपके लिए नंबर सिस्टम से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया है जो आपको एसएससी रेलवे में पूछा गया है और पूछेगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। तो आइए समझते हैं, पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग पूछा है कि कितना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना, देखिए पहली सम संख्या क्या होगी, इसकी 2 होगी, फिर 4 होगी, फिर 6 होगी, डॉट 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 100 तक जाएगी। तो पहले क्या देखेंगे, दोनों का डिफरेंट कितना है। देखिए दो का डिफरेंस है, दो का डिफरेंस है, तो दो का डिफरेंस है, ठीक है। दो का डिफरेंस रहेगा, अब देख लीजिए दो का डिफरेंस। तो इसमें क्या करना है आपको, सौ है ना, हाँ, दोनों का क्या करना है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, मतलब पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, ठीक है, अंतिम संख्या दोनों को जोड़ लीजिए। तो पहली संख्या कितनी है, 2 है, अब प्लस कितना, 100, यानी क्या हो जाएगा, 102 बटा में 2 कितना हो जाएगा, 51। अब देख लीजिए 51 निकल गया। फिर बोला है 100 तक की सम संख्या ना, तो इसमें कितनी सम होगी, 50 सम होगी और 50 विषम होगी, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 50 विषम होगी ना, 50 से इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब कर लीजिए कितना आ जाएगा आपका, 50 51 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 0 0 25 0 5 5 2 2550। तो आपका ये बी वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें क्या बोला है, 1 से 100 तक सभी संख्याओं का योग कितना होगा। अब 1 से बोला है तो 1 होगा, 2 3 डॉट 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 कितना, 100 तक। और सभी सम संख्या, सम संख्या नहीं पूछा, यहाँ सभी संख्याओं का योग पूछा है, ठीक है। तो 1 से एक पहला अंक 1 प्लस दूसरा 100 बटा में 2, ठीक है, और गुणे अंतिम संख्या, अंतिम संख्या क्या है, ये, ठीक है। अब देखिए इसका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा कितना, 101 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, आपको कर दीजिए 2 से कट जाएगा 50, और 101 को 50 से गुना कर दीजिए, 0005 कितना जाएगा, 0505 कितना, 50 50, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, 60 तक सभी विषम संख्याओं का योग कितना होगा। यहाँ विषम पिछला क्वेश्चन क्या था, उसमें सम पूछा गया था, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, तो पहला विषम संख्या क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, दूसरा 3 5 7 डॉट 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 कितना, 60 है ना, तो 59 तक जाएगा, क्योंकि 60 तो सम हो जाएगा ना, ठीक है। तो पहला क्या करेंगे, पहला प्लस अंतिम संख्या 59 प्लस 1 60 बटा में 2, और देखिए ये 60 है तो इसमें जो ये 60 है इसमें 30 सम होगा और 30 क्या होगा, विषम होगा, ठीक है। क्या विषम संख्या पूछना है, यानी कि इंटू 30, ठीक है, 2 से कट जाएगा 30 30 93, यानी कि 900 पहला आपका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 35 विषम संख्याओं का योग। तो पहला विषम संख्या क्या होगा, 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, प्रथम 35 पूछा है ना, तो इसको क्या करिए, आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, 35 दूना 70, ठीक है। तो लास्ट कितना तक जाएगा विषम संख्या, 69 तक जाएगा, ठीक है। तो पहला संख्या प्लस अंतिम अंक, पहला अंक प्लस अंतिम अंक, यानी कि 69 प्लस 1 कितना, 70 बटा में 2 गुने, ठीक है। अब देखिए 35 पूछा है, यानी कि 35 यहाँ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 35 गुना 70 तो 35 × 35 कितना हो जाएगा, 1225, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको एक तरह, एक और तरह से बना सकते हैं, जहाँ ये कंडीशन बने तो उसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस इसका 35 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है, तो ये आपका इतना आंसर आ जाएगा, आपका करके देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, 51 52 53 सब प्लस प्लस में है, 100 तक जा रहा है, ठीक है, उसका पूरा का मान बताना है। तो क्या करना है, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या जोड़ लेना है, तो कितना हो जाएगा, 151 बटा में 2 इंटू, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना संख्या है, टोटल 50 ही होगा ना, क्योंकि देखिए 1 से 50 तक इधर आ गया है टोटल, और यहाँ से कितना होगा, फिर 50 से 50 तक, तो हो जाएगा टोटल संख्या अंतिम 50, इसको कर दीजिए 2 से कट जाएगा 25, 25 से कम 25 2 25 बजे कितना, 225 227 2 25 कम 25 और 237 37, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहला वाला। ये देखिए तो क्वेश्चन है, ये 1² 2² 3² 60 स्क्वायर तक का योग बताना है, ठीक है। ये क्या है, प्रकृति संख्या है,
इसके लिए फॉर्मूला आता है, देखिए ये आपको याद रखना है, n इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, तो इस पर पुट कर देना, तो n प्लस क्या होगा, पहला नंबर क्या है 60, तो हो जाएगा n इंटू 60 इंटू 61, एन प्लस वन इंटू टू, टू एन है ना, दो एन यानी 60 दूना 120 और 121 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है, तो ये सब मल्टीप्लाई में ही है, ठीक है, इसको क्या करना है, सब मल्टीप्लाई में ही है, तो इसको क्या कर लीजिए, 6 × 10 = 60, 6 × 3 = 60, 610 दूना 121, 610 121 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, कितना होगा 0 1 6 0 2 12, और हो जाएगा फिर 0 1 और 6, तो कितना हो जाएगा 0 1 6 2 8 2 1 3 7, यानी कि 73 81 100, ये पी वाला आपका चला जाएगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, देखिए 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर + ... क्या है, प्लस 20 का स्क्वायर का योग कितना होगा, ठीक है, तो देखिए यहाँ सम के वर्गों का योग पूछा है, क्योंकि सम संख्या है 2, 4, 6 सब सब संख्या है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये फॉर्मूला ही आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इस पर आप पुट कर दीजिए, आपका वैल्यू निकल जाएगा, क्या है एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाई सिक्स, ठीक है, तो एन कितना है 20, ठीक है, एन प्लस वन 21 इंटू एन प्लस टू यानी कि 22 डिवाइडेड बाई कितना है 6, अब कर लीजिए 6 है 3 × 6 = 21, 2 × 20 = 10 × 70 = 22, ठीक है, करके देख लीजिए तो 0 × 2 = 14, 0 × 2 = 14, 0 × 4 = 5 = 6, ठीक है 1540, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, और पीछे जो प्रकृति संख्या था उसके लिए क्या लिखा था फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस वन, ठीक है, इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स, जो ये प्रकृति संख्या में निकालेंगे, लेकिन सम और ये देखिए सम और विषम दोनों का जो वर्गों का योग जब भी पूछेगा तो यही फॉर्मूला यूज होगा, ये क्वेश्चन आपके लिए ये बनाकर आप लाएंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, फिर नंबर सिस्टम का कुछ क्वेश्चन लेकर आएंगे, ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, और हाँ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।